अगला प्रेजेंट सिंपल के बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किस टेंस की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नॉर्मली अपन ने पढ़ा है सेंटेंस के अंत में क्या आता है, इसमें रहा है, रही है और रहेगी, इस प्रकार के शब्द वाक्य अंत में आते हैं। एक्टिव वॉइस यानी कि नॉर्मल स्ट्रक्चर अपन पढ़ चुके हैं। अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या था वो? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस क्या था? इज, एम, आर और बल्कि आई नहीं और ऑब्जेक्ट। हम ये भी जानते हैं कि आईएनजी फॉर्म को एक फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है। वर्तमान काल में कोई काम सतत रूप से जारी है इसका बोध ये टेंस कराता है। अब हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की, तो क्या हो जाएगा? नियम हम जानते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? हाथ में। अगर नियम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? हाथ में। इसमें कोई दिक्कत? ये हम जानते हैं पहले से। फिर टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास? इज, एम, आर। अगर नियम कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं हमेशा? बीइंग। तो क्या लगा देंगे इसमें अपन? बीइंग। क्यों लगा रहे हैं बीइंग? क्योंकि आईएनजी फॉर्म हमेशा चाहिए अपने को कंटिन्यूअस टेंस में, और परफेक्ट में चाहिए थर्ड फॉर्म, तो लगा दो भैया थर्ड फॉर्म। फिर एजेंट के द्वारा काम हो रहा है मतलब क्या लगा देंगे? बार। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आखिरी की तीन चीज तो हमेशा कॉमन है, वर्ब के थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। शुरू में ऑब्जेक्ट भी कॉमन है, चेंज हेल्पिंग वर्ब को और उसके साथ ही जो वर्ब है उसमें हो रहा है। परफेक्ट में आप बीन लगा देना है, मॉडल होगा तो बी लगा देना है, कंटिन्यूअस में बी लगा देना बस। अब अगर एक सिंपल सा सेंटेंस अगर मैं बोलता हूं कि आई एम कुकिंग फूड, क्या कहा मैंने? आई एम कुकिंग फूड। आप देखेंगे तो यहाँ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब एम लगी है, आप परेशान गए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको पैसिव में बदलना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को आगे लाए फूड, आगे सब्जेक्ट को लास्ट में लेगा आई, क्या बन जाएगा? मी। आप जानते हैं पहले हमेशा क्या लगाते हैं? बाय। फिर थर्ड फॉर्म कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुक। इतना तो फिक्स्ड है, अपन वैसे भी कर सकते हैं। अब फूड क्योंकि सिंगुलर है, प्रेजेंट की बात हो रही है, क्या लगा दिया? इज। कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म चाहिए तो क्या लगा दिया अपन ने? बी। तो क्या बन गया ये? फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी, खाना मेरे द्वारा पकाया जा रहा है। ठीक है,